अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि ये हमारा चैनल है लाइफ टेक्नोलॉजी लाइफ, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस देखें। हमारे चैनल का पर्पस हमने पहले इंट्रो वाले लेक्चर में बताया था कि हमारा क्या क्या पर्पस है, हम क्या क्या काम करने वाले हैं। हम फ्रीलांसिंग पे काम करेंगे, पहले हम ब्लॉगर पे वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उससे अर्निंग करेंगे। कैसे हम ब्लॉगर वाली वेबसाइट के पेजेस लेबल वगैरह सेट करके हम उससे अर्निंग स्टार्ट करेंगे और एडसेंस से मोनेटाइजेशन कैसे लें, वो सारा कुछ जो प्रोसेस है वो मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में ये स्टेप वाइज स्टेप चलेगा, तो इसीलिए हम ये करेंगे कि पहले वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं ब्लॉगर पे, और ब्लॉगर है क्या, वो कहाँ पे कहाँ से हम वेबसाइट वो बना सकते हैं। तो आए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। पहले तो आप फोरम स्टार्ट कर लें। फोरम ऑन करने के बाद आप जब लिखेंगे गूगल पे जाके लिखेंगे blogger.com, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, आप ये गूगल पे जाके सर्च करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही ये ओपन होगा तो ये हमारे ब्लॉगर का इंटरफेस देख सकते हैं। ये हमारे ब्लॉगर की ऑफिशियल साइट का इंटरफेस है। ये कैसे हमें दिख रहा है आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्रिएट ए ब्लॉगर, आप ब्लॉगर क्रिएट करें। ये हेल्पलाइन है, उसकी कम्युनिटी है, डेवलपर्स हैं। तो हम सीधे पहले तो हमारे पास ब्लॉगर में वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जीमेल का होना ज़रूरी है। आपकी कोई भी जीमेल हो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हमारी जो जीमेल है वो साइन इन ऑलरेडी हुई है, ऑलरेडी है यहाँ पे। तो हम जस्ट क्रिएट अ ब्लॉग करेंगे, अगर साइन नहीं है तो हम साइन इन करेंगे। तो हम जस्ट क्लिक करेंगे क्रिएट अवर ब्लॉग। ये लोडिंग कर रहा है, उसके बाद ये आ जाएगा। तो ये हमारी है जीमेल, जिसके थ्रू हम साइन इन कर रहे हैं ब्लॉगर में और हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सिंपली इट इज सो इजी, इट इज वेरी वेरी इजी टू मेक। यहाँ पे हम पासवर्ड इन करेंगे, जो भी हमारा जीमेल का पासवर्ड है वो हम इन करेंगे। पासवर्ड जी दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉगर का जो नेम है वो चूज करेंगे। जिस तरह के हमारी वेबसाइट है उसके हिसाब से हम अपना ब्लॉगर का नेम चूज करेंगे। जैसे कि अगर स्पोर्ट्स की है तो स्पोर्ट्स के हिसाब से चूज करेंगे, अगर क्रिकेट न्यूज़ वगैरह की है तो वो न्यूज़ के हिसाब से हम उसका नेम चूज करेंगे। अगर मेरे हिसाब से मैं चूज करूँगा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि मेरा जो काम है वो टेक्नोलॉजिकल है, तो मैं टेक्नोलॉजिकल एक साइट क्रिएट करूँगा। अगर आपकी कोई जॉब की साइट है तो आप जॉब के हिसाब से यहाँ पे नेम क्रिएट करेंगे। जैसे कि मेरा जो है नेम, जो वेबसाइट का नेम यहाँ पे मैं लिखूँगा वो अपने हिसाब से लिखूँगा, आप अपने हिसाब से लिखना। मेरा नेम जो है वो टेक्नोलॉजी लाइफ मैंने यहाँ पे लिखा अपने ब्लॉगर का नेम, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी URL सेट करनी पड़ेगी अपनी, किसी भी वेबसाइट की URL होती है, जैसे blogger.com हो गई, google.com हो गई, ये हमारे URLs होते हैं किसी भी वेबसाइट के, उसके थ्रू हमारी वेबसाइट ऑन होती हैं। तो यहाँ पे हम अपने कोशिश करें कि URL हमेशा छोटी से छोटी रखें, वो 4 digits 5-6
अदरवाइज आठ आठ डिजिट तक हों, जैसे कि लोग किसी को भी सर्च करें उसके हिसाब से सर्च करें तो उन्हें वो चीज़ मिल जाए। मेरी जो टेक्नोलॉजी है कि मैं टेक्नोलॉजी लिखूंगा, टेक्नोलॉजी ये अवेलेबल नहीं है तो हम इसको 24 करेंगे, टेक्नोलॉजी 24.live। जैसे ये हमारा ये हमारे मतलब अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, इसीलिए हमें ये इनवेल्ड आर नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें अपने जो हिसाब से ब्लॉगर का नेम है यूआरएल है वो मिल जाए, टेक्नोलॉजी ORG 24। तो दोस्तों ये हमारे पास जो नेम है टेक्नोलॉजी ORG 24 ये हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे कि ये अवेलेबल है हो तो हम इसको सेव कर देंगे, वो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। सेव करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा अपने वेबसाइट का, अपने ब्लॉगर का, और ये कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं ब्लॉगर की, लेकिन हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने ब्लॉगर देखने के लिए। तो हम व्यू अ ब्लॉग करेंगे, उसके बाद हमारा जो ब्लॉग है किस तरह से नज़र आएगा लोगों को, हमें वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ब्लॉग है और इस तरह से कुछ उसका इंटरफेस दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें ये काम यहीं पे ख़त्म नहीं करना, आगे जाके हम इसमें थीम वगैरह एडिट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि हम ये थीम वगैरह कैसे एडिट करेंगे, यहाँ पे कौन सा न्यू थीम लगाएं सर्च करें, यहाँ जैसे पेपर jobs.com ये कोई भी एक साइट है, ठीक है, वो अमान कर लेते हैं वो किस तरह से दिख रही है। थीम एडिट करने के बाद वो सारा कुछ हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी, आप देख सकते हैं ये साइट है, इसकी एडिटिंग हुई हुई है, कैसे ये टॉप पे पेजेस वगैरह लगे हुए हैं, अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर कॉन्टेक्ट, ये सब कुछ हम इसमें एडिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखो बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे आगे, यहाँ पे जो एडिट है थीम वाला ऑप्शन में जाके हम थीम एडिट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप विजिटिंग अवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।